यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पर क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। फाइल को बनाने के बाद और डायरेक्टरी को बनाने के बाद हमने उन्हें खोलना सीखा और उनको हमने ओपन करके बंद करना भी सीखा। आज हम सीखेंगे कि फाइल को नाम चेंज करेंगे कैसे, करेंगे नाम चेंज कैसे, कॉपी करेंगे और उनको मिटाएंगे कैसे। ठीक वैसे ही डायरेक्टरी को कैसे नाम चेंज करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे और डायरेक्टरी का भी मिटाने का काम कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने पहले क्लास की वीडियोस का प्रैक्टिस कर लिया होगा, जो कमांड बताई थी उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। कोई प्रैक्टिस करने के बाद ही आप आज की वीडियोस की क्लास को सीख पाएंगे। अगर नहीं किया है तो पहले आप उसको सीखें, इससे पहले क्लास की वीडियो देखें, फाइल बनाना सीखें, उसके बाद फाइल मिटाने की बारी बाद में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्क्रीन को डॉस को ओपन कर लिया। डॉस को ओपन कैसे करते हैं मैंने पुरानी वीडियो में बताया है, अगर नहीं आता है डॉस को ओपन करना तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर COLLAND कमांड टाइप करना है। स्टार्ट पर जाने के बाद पहले आप स्टार्ट पर जाइए, स्टार्ट स्क्रीन पर जो आपकी विंडो है, जो भी स्टार्ट चला रहे हैं आप, विंडो 8 या 10 जो भी चला रहे हैं, उसमें आप पहले विंडो बटन दबाएं। विंडो बटन प्रेस करने के बाद कमांड टाइप करना है और फिर यहाँ पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देंगे यस नो का ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे और यस करने के बाद हम यहाँ पर ये स्क्रीन को ओपन कर लेंगे। ये आने के बाद CD/ या CD.. दबाना है और एंटर प्रेस करना है। ये स्क्रीन सामने आएगी, फिर आप यहाँ पर CLS स्क्रीन साफ करने के लिए दबाएंगे, प्रेस करेंगे और स्क्रीन प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि डॉस की स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। इस जगह पे डॉस चलाने के लिए हमने फाइल बनाना सीखा था, DIR से चेक करते हैं। मैंने अमन फाइल और स्टूडेंट डायरेक्टरी बनाई हुई थी। आज हम इस फाइल का और डायरेक्टरी का नाम चेंज करके देखते हैं कैसे करेंगे। नाम को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इस जगह पे REN लिखना होगा, यानी कि रीनेम इसका मतलब होता है। तो रीनेम आप नाम से समझ गए होंगे कि इस कमांड का इस्तेमाल डॉस के अंदर फाइल या डायरेक्टरी के नाम को चेंज करने के लिए करते हैं। तो रीनेम यानी कि रैन के माध्यम से, ध्यान रखना REN लिखना है, पूरा रीनेम नहीं लिखना है। तो REN लिखेंगे और इस जगह पे जिस चीज का नाम चेंज करना है वो कोई फाइल भी हो सकती है, कोई डायरेक्टरी भी हो सकती है, उसका नाम यहाँ टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने जो अब बताया अभी आपको, अमन नाम की मेरे पास फाइल है। कहाँ है अमन नाम की फाइल, ये देखिए, ये अमन नाम की फाइल है, इसका नाम चेंज करना है मुझे। तो नाम चेंज करने के लिए मैं REN लिखूंगा और पहले पुराना नाम यहाँ पर टाइप करूंगा। क्या करूंगा, पुराना नाम टाइप करूंगा। पुराना नाम टाइप करने के बाद इसके आगे एक स्पेस दूंगा और यहाँ पर नया नाम डाल दूंगा, जैसे कि सोहिल। सोहिल लिखा और मैं नया नाम टाइप करके एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा कोई भी मैसेज नहीं आया है, एरर मैसेज नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि कमांड आपकी अच्छी तरीके से काम कर गई है। DIR कमांड से लिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ देखिए अब अमन नहीं आ रहा है, लेकिन सोहिल नाम के नीचे आने लगा है। अब क्या सोहिल नाम की फाइल मैंने बनाई है, क्या उसके अंदर डाटा वही है जो अमन का है? कैसे चेक होगा, चेक करने के लिए मैंने बताया था टाइप कमांड टाइप करेंगे, TYPE टाइप, और यहाँ पे जो नाम था सोहिल वो लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है नीचे IAM अमन, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था अमन की फाइल के अंदर, केवल नाम चेंज किया है लेकिन अंदर का डाटा वही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने अमन की फाइल का नाम चेंज कर दिया है, जो कि रैन कमांड से किया। ओके, तो समझता हूँ कि आपको ये कमांड आ गई होगी कि रैन कमांड के माध्यम से किसी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डायरेक्टरी का नाम चेंज कैसे करेंगे। डायरेक्टरी का नाम चेंज करने के लिए भी यही कमांड होती है रैन, और डायरेक्टरी का नाम जो होगा वो लिखा जाएगा। जो मैंने कल डायरेक्टरी बनाई थी उसका नाम था स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट लिखता हूँ पुराना नाम, और फिर इसके बाद न्यू नाम डाल देंगे स्टूडेंट टू, कर देता हूँ मैं स्टूडेंट टू।
क्या कर देता हूँ, टीचर, ठीक है, स्टूडेंट डायरेक्टरी का नाम मैंने यहाँ पे टीचर कर दिया। बात समझ में आ गई, मैंने स्टूडेंट डायरेक्टरी का नाम क्या कर दिया, टीचर कर दिया, और अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये नाम चेंज हो गया। DIR लिखो, चेक करो, स्टूडेंट नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है लेकिन टीचर नाम लिस्ट में आ रहा है। और आपको याद होगा कि मैंने कल स्टूडेंट डायरेक्टरी के अंदर एक राज नाम की फाइल बनाई थी, तो चेक करते हैं बनी है कि नहीं है। चेक कैसे करते हैं, DIR और डायरेक्टरी का नाम, डायरेक्टरी का नाम क्या है इस समय, टीचर, एंटर प्रेस किया, ये देखिए राज नाम की फाइल इसके अंदर है, यानी कि स्टूडेंट डायरेक्टरी का नाम चेंज होकर के राज हो चुका है और स्टूडेंट नाम की डायरेक्टरी अब इस समय कंप्यूटर के अंदर नहीं है दोस्तों। तो डायरेक्टरी का नाम चेंज करने के लिए भी हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है रैन। डायरेक्टरी का नाम चेंज करने के लिए भी रैन कमांड है और फाइल का नाम चेंज करने के लिए भी रैन कमांड है, ठीक है। नाम चेंज करना सीख लिया दोनों चीज का, मैं वापस से वही नाम चेंज करता हूँ तो रैन लिखता हूँ और टीचर को स्टूडेंट बना देता हूँ। DIR चेक करते हैं, स्टूडेंट आ चुका है। और सोहिल को फिर से मैं अमन का नाम बनाता हूँ, तो सोहिल लिखा और अमन करके एंटर प्रेस किया, फिर से नाम चेंज हो गया। DIR लिखेंगे, ये देखिए पहले ऐसा हो चुका है, दोनों जगह पर नाम चेंज हो गए। ये तो हो गया नाम चेंज करना। अब हम सीखते हैं एक फाइल के मैटर को दूसरी फाइल में कॉपी करना सीखते हैं। तो यदि हम किसी फाइल को, अमन फाइल को कॉपी करेंगे किसी और फाइल के अंदर, मान लीजिए एक फाइल है जिसका नाम है प्रदीप, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर एक फाइल। कैसे बनाते हैं फाइल, कल सिखाया था मैंने, कॉपी कौन लिखा जाएगा, कॉपी कौन और फाइल का नाम लिखा जाएगा, मैंने लिखा प्रदीप, प्रदीप लिखा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो प्रदीप नाम की फाइल बन चुकी है और मैं यहाँ लिख देता हूँ IM प्रदीप फाइल, इसको मैं सेव करता हूँ F6 से और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया फाइल बन चुकी है, मैं DIR से चेक करूंगा तो यहाँ पर प्रदीप फाइल भी आ रही है, ठीक है। तो दो फाइल मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे अमन फाइल का मैटर, किसका मैटर, इस अमन फाइल का मैटर प्रदीप के अंदर कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, पहले लिखेंगे कॉपी। अब ध्यान रखना है कॉपी कौन नहीं लिखना है, सिर्फ कॉपी लिखना है। कॉपी लिखेंगे और जिस फाइल को ले जाना है उसका नाम पहले आएगा, तो मुझे अमन को ले जाना है तो अमन को मैं पहले ले आया, और अमन को कहाँ ले जाना है, प्रदीप के अंदर, तो प्रदीप बाद में लिखा। तो ऐसा करने से अमन का डाटा प्रदीप के अंदर आ जाएगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये पूछेगा कि प्रदीप फाइल ऑलरेडी है, तो यस करेंगे तो ये डाटा इस पर ओवरराइट हो जाएगा, ऑल करेंगे तो डाटा ऑल आ जाएगा, नो करेंगे तो डाटा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे यस करने के लिए बाई दबाता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये डाटा जो है वो अमन का डाटा प्रदीप के अंदर ओवरराइट हो चुका होगा। हुआ है या नहीं ये कैसे कन्फर्म करेंगे, इसके लिए आपको ये फाइल खोल के देखना होगी। तो मैं टाइप कमांड से फाइल ओपन करता हूँ, पहले अमन की, ये देखिए अमन के अंदर लिखा हुआ है आई एम अमन, आई एम स्टूडेंट ऑफ, ये गलत लिख गया है, आई एन लिख गया है इन, ठीक है। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ BCA PDCA क्लास एट IIT वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब यही डाटा किसमें आ गया होगा, प्रदीप के अंदर आ गया होगा क्योंकि मैंने प्रदीप को कॉपी किया है। तो मैं टाइप प्रदीप लिखूंगा खोलने के लिए, तो देखिए आई एम अमन लिख के आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अमन का डाटा प्रदीप के अंदर कॉपी हो चुका है, ये बिल्कुल सही बात है या नहीं है, आप जरा बताइए मुझे। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से अपन डाटा को, एक डाटा को दूसरे डाटा में कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया फाइल कॉपी करना। क्या हम कोई डायरेक्टरी कॉपी कर सकते हैं, जी हाँ, यदि हम डायरेक्टरी कॉपी करना चाहते हैं तो डायरेक्टरी भी कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए हमें कॉपी लिखना पड़ेगा और कॉपी के बाद डायरेक्टरी का नाम, जो नवा नाम था स्टूडेंट, लिखना होगा और फिर जिस डायरेक्टरी में से कॉपी करना है वो नाम देना होगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट, और मैं अब नाम देता हूँ, एक नाम मैंने दे दिया स्टाफ, स्टाफ डायरेक्टरी बना दी मैंने। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉपी लिखा है और स्टूडेंट डायरेक्टरी का नाम लिखा हुआ है और स्टाफ डायरेक्टरी का नाम लिखा हुआ है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो स्टूडेंट डायरेक्टरी पूरी कॉपी हो जाएगी और स्टाफ के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट ऑब्लिक राज,
ये क्या हुआ है, राज क्यों आया है, क्योंकि राज इसके अंदर फाइल है तो वो भी स्टाफ के अंदर पहुंच जाएगी ना, तो चेक करते हैं हुआ है कि नहीं। DIR, ये देखिए स्टाफ भी है स्टूडेंट भी है। अब स्टाफ के अंदर क्या डाटा है, चेक करते हैं अपन। तो टाइप स्टाफ लिखा, ये देखिए आई एम राज। तो क्या हुआ है, इसके द्वारा एक डायरेक्टरी का डाटा जो उसमें फाइल बनी हुई थी वो कॉपी होकर अपने आप दूसरी फाइल में पहुंच चुकी है। यानी कि हम कॉपी कमांड के माध्यम से किसी भी डायरेक्टरी फाइल के डाटा को कॉपी कर सकते हैं और दूसरी फाइल में ला सकते हैं। ओके, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कॉपी करना सीख लिया अपन ने। अब अपन सीखते हैं, फाइल कॉपी करना सीखा, नाम चेंज करना सीखा, डायरेक्टरी का नाम चेंज करना सीखा, और डायरेक्टरी का जो अंदर फाइल थी उसको भी हमने कॉपी कर लिया। आपने अगर यहाँ पर नोट किया हो तो स्टाफ नाम की मैंने फाइल बनाई नहीं थी, ऑटोमेटिकली बन गई। यानी कि जब हम कॉपी करते हैं और जब फाइल को कॉपी करके कहीं ले जाते हैं और वो नाम अगर अवेलेबल नहीं होता है तो DOS उस नाम की फाइल ऑटोमेटिकली बना देता है, जैसे यहाँ पे स्टाफ बना दिया। ओके, अपने आप बन गई फाइल यहाँ पे, मेरा नाम अलग से फाइल बनाई नहीं थी पर नाम टाइप किया, अपने आप बन गई। जब नाम पहले से होती है तो पूछता है कि ओवरराइट है कि नहीं है। जैसे मैंने अभी अमन को प्रदीप में कॉपी किया था, उसने पूछा था कि ओवरराइट करना है कि नहीं करना है। पुरानी वीडियो इस वीडियो को पीछे करेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो उसने पूछा था कि ओवरराइट करना है या नहीं करना है, लेकिन स्टाफ वाले में नहीं पूछा क्योंकि स्टाफ नाम ऑलरेडी था ही नहीं पहले से। जब नाम होगा तो पूछेगा, नाम नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फाइल बना देगा। ठीक है, यहाँ तो वो भी फाइल को कॉपी करना, फाइल का नाम चेंज करना। अब बारी आती है मिटाने की, मुझे मिटाना है स्टाफ नाम की फाइल को मिटाना है, तो इसके लिए del कमांड लगाते हैं और जो नाम है उसका वो लिख दिया जाएगा और इंटर मारेंगे, फाइल मिट चुकी है। DIR से चेक करो, स्टाफ नाम नहीं आ रहा। आपको मिटाना है अमन, तो आप del लिखेंगे, del यानी डिलीट, और अमन लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, चेक करेंगे DIR से, अमन नहीं आ रहा। प्रदीप मिटाना है तो DEL del, कल इसके साथ पढ़ता हूँ मैं, del लिखेंगे, इसके बाद प्रदीप लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी मिट जाएगा, और DIR से चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो प्रदीप ही नाम दिखाई नहीं देगा। अब बारी आती है इस फोल्डर को मिटाने की, यानी कि डायरेक्टरी को मिटाने की। आपको ये डायरेक्टरी मिटानी है तो इसके लिए del कमांड नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। डायरेक्टरी मिटाने के लिए जो कमांड लगाई जाती है वो होती है RD, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी, और यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम लिखा जाएगा स्टूडेंट, जैसे आपने लिखा एंटर प्रेस किया तो ये नाम बता रहा है यहाँ पे द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। यानी कि RD कमांड से फाइल को मिटाने के लिए पहले फाइल का वो डायरेक्टरी का क्या होना चाहिए, डायरेक्टरी का जो एम्प्टी होना बहुत जरूरी होता है, डायरेक्टरी को खाली करना पड़ता है। अगर डायरेक्टरी खाली नहीं करेंगे तो RD कमांड से आप इसको नहीं मिटा पाएंगे दोस्तों। तो कैसे मिटाएंगे, फिर कैसे मिटाएंगे, पहले आप उसे खाली करेंगे। खाली कैसे करेंगे, इसके अंदर जो कुछ भी है उसको आपको खाली करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है चेक करो, चेक कैसे करते हैं DIR से। तो DIR आप स्टूडेंट लिखेंगे, देखिए इसके अंदर क्या है, राज नाम की एक फाइल है, तो ये राज नाम की फाइल पड़ी हुई है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसे कैसे मिटाएंगे, इसको मिटाने के लिए आपको पहले स्टूडेंट डायरेक्टरी को खोलना पड़ेगा। खोलते कैसे हैं, CD कमांड से, कल बताया था मैंने। तो CD लिखेंगे और स्टूडेंट डालेंगे तो डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन हो गई अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर कौन है, राज। राज क्या है, फाइल। फाइल कैसे मिटाते हैं, del कमांड से, तो del लिखेंगे और राज को मिटा देंगे। मिट गया राज, चेक करो DIR से, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टरी खाली हो चुकी है। तो अब इसे अपन डायरेक्टरी खाली होने के बाद CD डॉट डॉट से बंद कर देंगे, बाहर आ जाएंगे और ये स्टूडेंट पूरी तरह खाली हो चुकी है, इसको मिटा सकते हैं अपन अब RD कमांड से। तो RD लिखा लिखेंगे अपन और स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे अपन नाम डायरेक्टरी का, एंटर मारेंगे मिट जाएगा। DIR से चेक करो, यहाँ पे डायरेक्टरी अब नहीं आ रही स्टूडेंट नाम की। तो कोई भी डायरेक्टरी बना सकते हैं अपन, उसे मिटा सकते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या किया था अपन ने, फिर देखो MD लगाया था और स्टूडेंट लिखा था, यानी कि डायरेक्टरी का नाम लिखा था, एंटर प्रेस किया था, डायरेक्टरी बन गई थी। चेक करो DIR, डायरेक्टरी बन चुकी है, ये रही। ठीक है, ये डायरेक्टरी को खोलने के लिए हमने CD लिखा था और स्टूडेंट नाम डाला था, ओपन हो गई थी। ये अंदर लिख के आता है नाम, डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है, यानी कि चेंज डायरेक्टरी हो चुकी है। और जब इस डायरेक्टरी को आपको बंद करना होता है तो CD डॉट डॉट लिखते हैं, एंटर मार देते हैं, तो डायरेक्टरी बंद हो जाती है। ठीक है,
बंद होने के बाद मिटाना होता है तो आरडी लिखते हैं और स्टूडेंट डाल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आरडी कमांड से डायरेक्टरी को मिटाने के लिए डायरेक्टरी का खाली होना बहुत जरूरी है, और अगर ये खाली नहीं है तो इसको आप पहले ओपन करो सीडी कमांड से, इसके अंदर जो कुछ भी है उस सबको बारी बारी से मिटाओ, उसके बाद मिटाने के बाद खाली करने के बाद हम इसे आरडी कमांड से मिटा सकते हैं। जैसे एंटर प्रेस करूंगा डायरेक्टरी मिट जाएगी, ये डीआईआर लिस्ट में नहीं आएगी। ओके, तो आज मैं डायरेक्टरी बनाना और मिटाना सिखाया, सॉरी डायरेक्टरी के फाइल को कॉपी करना, उनका नाम सेंड करना और उनका मिटाना सिखाया। ठीक है, इसकी कमांड की प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्टरी बनाइए और बनाने के बाद हम आगे की चीज़ों को सीखेंगे और देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।